टोटल पांच पार्ट्स होते हैं कॉम्पिटिटिव मैथ का। जैसे फर्स्ट पार्ट है जिसका नाम होता है नंबर सिस्टम, इसमें नंबर से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, सभी डिस्कस किया जाता है। लगभग 10 से 12 चैप्टर हर एक पार्ट के अंदर आते हैं, ठीक है, 10 to 12 चैप्टर। सेकेंड पार्ट का नाम होता है कमर्शियल मैथ, इसमें भी लगभग 4-5 चैप्टर, जो भी कॉमर्स से रिलेटेड चैप्टर जैसे प्रॉफिट लॉस पार्टनरशिप ये सब चैप्टर इसमें आते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट को हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट, ठीक है, जैसा कि नाम से लग रहा है मापने तौलने वाला जितना भी चैप्टर्स होता है सब इसके अंतर्गत आता है मेजरमेंट, इसमें भी कुछ चैप्टर्स होते हैं। चौथा जो पार्ट है उसका नाम है टाइम एंड सिक्वेंस, इसमें भी कुछ चैप्टर आते हैं टाइम वगैरह से रिलेटेड। और पांचवा पार्ट को हम लोग बोलते हैं एडवांस मैथ, ठीक है। तो ये टोटल मैथ का ओवरऑल क्लासिफिकेशन देखा जाए तो पांच पार्ट होते हैं मैथ का, ठीक है, और ये पांचों को मिला के लोग ओवरऑल चैप्टर यदि काउंट करें टोटल चैप्टर्स कितने पढ़े जाएंगे हम लोग, लगभग 30 से 35 चैप्टर, ठीक है, मतलब मैक्सिमम बोला जाए तो 35 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है मैथ के अंदर, ठीक है। तो आज हम नंबर सिस्टम जो कि पहला पार्ट है तो इससे रिलेटेड कोई एक टॉपिक स्टार्ट करके हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो इसको नोट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, हम नंबर सिस्टम का से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखो नंबर सिस्टम स्टार्ट होता है कैलकुलेशन से, जिसका कैलकुलेशन अच्छा है वो नंबर सिस्टम अच्छा से कर पाएंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम इज बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन में देखिए दो तीन चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। जैसे सबसे पहला चीज़ मल्टीप्लिकेशन, यदि जिसका मल्टीप्लिकेशन अच्छा होगा वो कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छा से कर पाएंगे, ठीक है। बाकी जोड़ घटाओ प्लस माइनस भी इंपॉर्टेंट है लेकिन वो नॉर्मली सबको आता है, ठीक है, क्लास 10 तक तो सभी पढ़े। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए ये प्लस माइनस है, इस तरह का कैलकुलेटिव मैथ कोई कोई एग्जाम में आता है, ठीक है। अभी रेलवे में खासकर कैलकुलेशन का ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गया तो आने लगा है, ठीक है। बैंकिंग टर्म में ज़्यादा पूछा जाता है इस तरह का कैलकुलेशन, और भी लंबा इसको किया जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं एलसीएम लेके फिर मतलब पहले तो फैक्टराइज करके तोड़ते हैं फिर एलसीएम लेते हैं फिर जाके 3-4 स्टेप में सॉल्व होता है। तो ऐसे नहीं करना, जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल देके बता रहे, जैसे इसमें अलग अलग इसको कैटेगरी में बांटा जाए तो दो तीन चीज़ होता है इसमें। जैसे देखो इसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर, पाँच के अलावा इसके पास और कुछ है ना। जैसे यहाँ पे ये वाला परफेक्ट नंबर कितना हो गया 10 के अलावा इसके पास और कुछ है, 1/3 है। यहाँ पे 13 है, 13 के अलावा और कुछ है इसके पास, ठीक है। यहाँ पे 4 है, 4 के अलावा कुछ और। तो जो पूर्ण नंबर है, जो मतलब परफेक्ट नंबर है, उसको एक साथ कर सकते हो आप डायरेक्टली। जैसे देखो 10+5 कितना 15, 15+13 कितना हो गया 28, 28+4 कितना 32। तो अब इसको डायरेक्टली 32, मतलब यदि सामने क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आपको 32 यहाँ से तो दिखना चाहिए। बाकी बचा ये फ्रैक्शन वाला पार्ट को कैसे जोड़े, ठीक है, फ्रैक्शन वाला पार्ट को कैसे जोड़े, तो उसका मतलब उसका भी आप यदि टेक्निक से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। जैसे देखिए ये 2/3 का मतलब क्या होता है, 3 टोटल, ये नीचे वाला जो पार्ट होता है ना फ्रैक्शन का, हमेशा इसको टोटल मान के जोड़ा जाता है। 3 में से 2 भाग, 2/3 का मतलब कितना 2 out of 3, मतलब 3 में से कितना पार्ट, 2 पार्ट। तो 3 में से ये 2 पार्ट है, यहाँ पे 3 में से ये कितना पार्ट है, तो 2 और 1 मिला के दोनों के नीचे 3 है, और 3 में से 2 यहाँ पे है और 3 में से 1 यहाँ पे है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो 3 में से 3 हो गया, मतलब 3/3, तो कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से 1 और 1 मिला हमको, ठीक है, इसका और इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे भी देखो 7 में से कितना पार्ट है, ये 3 पार्ट है, और यहाँ पे 7 में से कितना पार्ट है, 2 पार्ट है। तो 3 देखो नीचे वाला यदि बेस सेम होता है ना तो ऊपर को डायरेक्टली आप जोड़ सकते हो, जैसे 3 और 2 कितना हो गया 5। तो टोटल
सात में से कितना पांच पार्ट बचा, पांच पार्ट, मतलब तीन यहाँ और दो यहाँ, तीन और दो मिला के कितना पांच, तो इसको लिख सकते हैं 5/7 डायरेक्टली। तो आपका ये डायरेक्ट आंसर आ सकता है 33 कंप्लीट 5/7। तो ये प्लस माइनस का है जो नॉर्मली, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप, या इसको आप लंबा भी कर सकते हैं जैसे, लेकिन वो कॉम्पिटेटिव के लिए ठीक है नहीं चलेगा। थोड़ा सा हम कैलकुलेशन में और इसको आगे बढ़ाते हुए मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। हम जस्ट अभी दिखा रहे हैं क्या क्या हो सकता है कैलकुलेशन में। दूसरा जो टर्म आता है ये प्लस माइनस था, सेकेंड टर्म आता है कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन का। जैसे किसी भी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जैसे सपोज 63 × 56, इसको मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करने का बहुत सारा तरीका आप लोग जानते हैं, ठीक है, दो तीन तरीका तो जानते ही होंगे। हम एक तरीका बताते हैं जिससे कोई भी मल्टीप्लिकेशन हो आप बहुत जल्दी उससे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी कितना भी बड़ा नंबर को आप इसको 3 डिजिट का 4 डिजिट का कितना भी बना सकते हो, तो इसको कैसे जल्दी करेंगे, जल्दी का मतलब ईजी वे में बिना पेन पेपर का जल्दी कैसे कर सकते हो, उसको देखा। ये 63 को 56 से मल्टीप्लाई करना, तो इस दोनों में से कोई एक नंबर को आप पकड़ो और उसको ब्रेक कर लो। ब्रेक का इन द ब्रेक का मतलब हो गया, ये 63 है, इसको माइंड में हम लोग सोचेंगे 60+3 × 56, इतना खाली सोचना है आपको। दोनों में से कोई एक नंबर, या तो 56 को सोच लो क्या 50+6, या फिर 63 को क्या 60+3, बस। अभी 6 का, अभी देखो आप लोग कॉम्पिटिटिव करते हो जब, तो आपको कुछ ना कुछ याद होना चाहिए, मतलब आपको 2 से लेकर 20 तक का टेबल तो कम से कम आना चाहिए, तभी आप कंपटीशन में आगे कर सकते हो कुछ, ठीक है। 2 से 20 तक का टेबल में मतलब आपको आना ही चाहिए, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे 60 में क्या कौन सा नंबर है, 6 है, तो 6 का टेबल आपको आना चाहिए, तभी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। जैसे 6 का टेबल इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36 का 6 कैरी 3, 6 5 कितना हो गया 30, और कैरी 3 था, 30 और 3 कितना 33। यहाँ पे 1 0 इसके साथ में, तो यहाँ पे आप 1 0 लगा दो, यहाँ पे जो भी साइन रहेगा प्लस का रहेगा या माइनस का रहेगा यहाँ पे आपको लगाना है, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। फिर 3 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करिए, तो 3 × 6 कितना 18, कैरी 1, 3 × 5 15, अब प्लस 1 मतलब कैरी जो था इसका 15+1 कितना 16, इसको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर झट से निकल के आ गया 6 6 12, 3 और 1 4 और 1 5 हो गया, और ये 3 हो गया, 3 5 2 8। तो इससे क्या होगा, देखो ये हम लिख रहे हैं इसलिए स्टेप आप लोगों को लग रहा है, वरना ये मतलब यदि अच्छा प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसको बिना लिखे भी कर सकते हो माइंड में। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं, मान लो 89 × कुछ भी नंबर ले लो 67, इसको मल्टीप्लाई करना जल्दी से करना। तो 89 को हम सोच सकते हैं 90 - 1, दिमाग में आना चाहिए आपका 90 से कितना कम है, 1 कम है, बस इतना सोचे कि आपको 9 का टेबल यदि आता तो आप तुरंत मल्टीप्लाई कर लोगे इसको, और बहुत जल्दी। अभी 9 का टेबल आता है, 9 7 63 का 3 कैरी 6 हो गया, ठीक है, 9 6 54 और कितना 6 60 हो गया। यहाँ पे 0 तो यहाँ पे आप 0 लगा सकते हो, ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस का साइन लगा देंगे, और 1 से मल्टीप्लाई करना तो आसान होता है 160 से मतलब 60, इसको माइनस कर दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा, तो एक दो हम देते हैं आप लोग थोड़ा करके बताओ उसको जल्दी से इसी तरह से। मान लो 58 × 69, इसको करिए। माइक ऑन है, इसको करिए तो देखो कितना। और प्रीतम फोर वन जीरो टू फोर डबल जीरो टू, एक ही जैसा आंसर आना चाहिए, अलग अलग नहीं आना चाहिए। जैसे देखो कोई एक नंबर को चेंज कर दो आप, इसी को चेंज करते हैं, मान लो ये 60 - 2 है, इसको भी कर सकते थे 70 - 1, कैसे भी करो आंसर सेम आएगा, आंसर अलग अलग नहीं है। 6 9 जा कितना 6 9 54 हो गया 4, कैरी 5, 6 6 जा 36 और 5 41 का 1 मतलब 141 ही हो जाएगा, और यहाँ पे 0 तो यहाँ 0 लगा देंगे,
यहाँ पे माइनस, देखो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो साइन रहेगा वही साइन यहाँ नीचे लगाना, माइनस है तो क्या करेंगे माइनस ही लगाएंगे, फिर 2 × 69 कर लो, ठीक है, दोनों 18 और 2 × 12 = 13, इसको अब देखिए माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस करें, जो रहेगा सिंबल वही करना है, तो कितना आंसर आ गया, ठीक है, यहाँ पे 3 में 3 गया तो 0, 1 में 1 गया तो 4002, ये आया था क्या, समझ में आ रहा, चलो एक 3 डिजिट का लेके देखते हैं, कोई भी डिजिट का नंबर हो इसी तरीका से करना, मतलब इसमें कोई अलग रूल नहीं है कि 2 डिजिट का अलग तरीका से करेंगे, 3 डिजिट सब एक ही रूल से बनेगा, जैसे देखो एक नंबर लेते हैं, मान लो 163 × 123, इसको मल्टीप्लाई करना, आपको जो मतलब जहाँ तक का टेबल आता है वहाँ तक के सुविधा के अनुसार इसको तोड़ सकता है, जैसे एक हम बताते हैं 3 डिजिट वाला, एक बार देख लीजिए फिर आप लोग बनाइएगा इसको, जैसे 163 और 123 है, हमको मान लो 12 का टेबल आता है, 16 का टेबल सपोज नहीं आता, तो हम इसको तोड़ेंगे, जैसे 163 को 163 रखो, इसको चेंज कर सकते हैं 120 + 3, ऐसे कर सकते हैं, अभी 12 का टेबल आपको आना चाहिए, ठीक है, तो अभी 12 से इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, 12 × 3 = कितना 36, 12 × 3 कितना होगा 36, हाथ में कितना 3, ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा, कैरी हो गया 3, 12 × 6 = 12 × 6 = कितना 72, और ये वाला 3 था, 72 + 3 कितना 75 का कितना लिखता है 5, हाथ में 7, ठीक है, कैरी ध्यान रखिएगा 7, फिर 12 × 1 = 12 और 7 कितना 19, यहाँ पे देखो ध्यान रखना, यहाँ पे इसके साथ 0 है तो यहाँ पे पहले आप 0 लगाओगे, ठीक है, उसके बाद कौन सा साइन है, प्लस का कि माइनस का, प्लस का तो प्लस लगा देंगे नीचे में, अभी 3 का भी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करके यहाँ पे लिखो, 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18, कैरी 1, 3 × 1 = 3 और 1 = 4, इसको जोड़ दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 9, 8 और 6 = 14, 5 × 4 = 9, 1 × 10 = 0, ठीक है, 19 और 1 = 20, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, समझ में आ रहा, तो आप कितना भी डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आप इसी तरीका से कर सकते हो आसानी से, जैसे एक और देते हैं आप लोग बनाओगे, इसको करिए 129 × 157, वन नाइन टू फाइव सिक्स बोल रहे हो ना, 53, देखो सबका आना चाहिए, आराम से करो, सही होना चाहिए, उसके बाद स्पीड बाद में आप लोग खुद ही बढ़ा लोगे, पहले सही करने का कोशिश करो, क्या बोल सबका आया आंसर, 20 आ गया, 20 253 1 1 9, चलो अलग अलग आंसर आ रहा, देखते हैं, तो ये वाला आंसर किसका आया था, 192 ऊपर का आया, चलो देख लेते हैं एक बार किसका सही हो रहा, तो इसमें किसी भी एक नंबर को ब्रेक करो, इसको मान लो ब्रेक करते 130 - 1 × 157, ठीक है, कोई भी तरीका से करोगे आप आंसर सेम ही पहुंचोगे, ठीक है ना, मान लो हमको 13 का टेबल आता है तो 13 × 97 = 1, हाथ में 9, 13 × 5 = 65 और 9, ठीक है, कितना हो गया 74 का 4, हाथ में 7, फिर 13 × 13 और 7 कितना हो गया 20, यहाँ पे 0 तो यहाँ 0 लगा दोगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, फिर 1 × 57 ही होगा, इसको माइनस करेंगे तो 3, यहाँ पे 10 में से 5 गया तो 5, ठीक है, यहाँ पे 3 में से 1 गया तो 2, ठीक है, और ये 20 का, हाँ ये आंसर जिसका आया वो सही है, ये वाला फिर कैसे आ गया भाई,
कोई किसी को भी ब्रेक कर सकते हो, आंसर सेम आएगा आप, समझ में आ रहा। चलो एक और बनाते हैं, पहले एक और देते हैं, आप बनाओगे। 137 into 149 इसको करूँ। टू जीरो फोर वन थ्री आया रवि, 204 13। देखो जिनका लेट लग रहा है उनका टेब मतलब उनका टेबल खराब है इसका मतलब। अब तेरा का टेबल नहीं आता हो तो फिर दिक्कत होगा, है ना। बाकी लेट लगने जैसा कुछ नहीं है इसमें। रवि नहीं बन रहा क्या? इसको 130 + 7 कर सकते हो आप, चाहे इसको इसको ब्रेक कर लो, ये वाला आसान दिख रहा। 137 को 137 रखो, 150 - 1 कर सकते हैं ना इसमें। देखो काफ़ी आसान हो जाए, 15 का टेबल आना चाहिए। 15 × 7 = 105, कैरी 10 हो गया, 15 × 3 = 45 और 10 = 55, हाथ में फिर 5, 15 × 1 = 15 और 5 = 20। यहाँ जीरो है तो यहाँ जीरो लगा लो, यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 137 होगा। तो ये हो गया आपका 3, यहाँ पे 4 में से 3 गया तो 1, 5 में से 1 गया तो 4, ये आया था क्या? 204 13। देखो कितना आसानी से हो रहा, मतलब कोई टेंशन जैसा कुछ लग ही नहीं रहा कि 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन कर रहे, वरना आप जैसे करते थे कि पुराना तरीका, इसको काफ़ी लंबा 6-7 लाइन लगता है ऐसे करके, लगता है कि नहीं, और काफ़ी देर भी लगता है। और ये इतना आसान है कि आप इसको दिमाग में, इतना तो दिमाग में ही सोच सकते हो, ये लाइन 150 - 1 दिमाग में चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। बस ये 2 लाइन लिखना है आपको, ठीक है, और प्रैक्टिस हो जाने के बाद ये भी लिखना नहीं पड़ेगा, तो 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आराम से। तो ये मल्टीप्लिकेशन था, आप आज के बाद मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो यही तरीका का यूज़ करिए, ठीक है, इससे धीरे धीरे आपका बेस बनेगा। तो चलो कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन भी देख लिया, प्लस माइनस भी देख लिया, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन भी देख लिया। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, इसके बाद जो मतलब नया चीज इसमें आता है वो होता है स्क्वायर, स्क्वायर निकालना किसी भी नंबर का। तो देखिए आपको कम से कम कुछ स्क्वायर भी याद होना चाहिए, जैसे नॉर्मली बच्चों को 10 तक का स्क्वायर तो याद होता ही है, ठीक है। जैसे 9 का स्क्वायर कितना होता है बोले? 81। 6 का 36, ठीक है। तो 10 तक का याद होता है, ठीक है, 25 तक याद रखना चाहिए, ठीक है। जैसे 16 का स्क्वायर कितना होता है रवि? 16 का 256। 18 का बोलो प्रीतम, 324। 19 का कितना? 19 नहीं अटक गया 19 में, अभी तक सही आंसर नहीं, 361, ठीक है, ठीक है। तो कुछ आपको 25 तक का स्क्वायर हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा, ठीक है, 1 से 25 तक का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर वगैरह निकालने के लिए ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। बार बार याद करते भूल जाते हो ना रवि, तो बोलो क्या इसका, हमको प्रूव करना पड़ेगा याद है, बोल दे रहे सर नहीं तो बंगला में क्या बोल रहे, 21 का कितना होगा, हम इंग्लिश में पूछ रहे, चलो 443 का 23 का स्क्वायर, हाँ तो ऐसे याद होगा ना। चलो खाली याद है बोलने से नहीं होगा, हम पूछ लेंगे तुरंत, ठीक है। तो हम एक बार लिख दे रहे ग्यारह से, देख एक बार दोबारा से याद कर लेना यदि याद है, जिनको याद नहीं हो तो याद करेंगे, ठीक है। जैसे 11 का तो पता है कितना, 121। 12 का 144। 13 का 169। 14 196। 15 225। 16 256, ठीक है। 17 का कितना? 289। ये देखना, ये सब बोलते हैं हम लोग, 17 का 19 का भूल जाओगे, ठीक है।
ठीक है, 18 का भी कभी कभी भूल जाओगे, 3 2 4, ठीक है, 19 का कितना 3 6 1, ठीक है, फिर 20 आ गया, 20 का कितना 400, ये आसान है, 21 का 4 4 1, 22 4 8 4, 23 5 2 9, 24 576 और लास्ट 25, बस इतना तक का ही याद रखना, 625, क्योंकि इसके बाद देखो इसके पीछे रीजन भी है, क्यों इसके यहीं तक क्यों बोल रहे हैं याद रखना है, क्योंकि इसके बाद जैसे 26 का स्क्वायर करोगे ना याद, तो आपको मिलेगा 676। देखो लास्ट का टू डिजिट इंपॉर्टेंट होता है, लास्ट का टू डिजिट जहाँ तक रिपीट नहीं हो रहा वहीं तक याद रखना। देखो 76 और कहीं पे है, 76 देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, मतलब 25 के बाद लास्ट का टू डिजिट रिपीट होने लगता है। 27 का याद करोगे तो 729 होता है। देखो 29 कहीं भी मिल रहा लास्ट में, देखो यहाँ पे मिल रहा है, लास्ट का टू डिजिट जहाँ तक रिपीट नहीं होता वहाँ तक स्क्वायर याद रखना, 25 तक रिपीट नहीं होता, ठीक है, तो यहीं तक हम लोग को याद रखना है, इसके बाद 26, 27 का जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा जो जो नहीं लिखे थे एक बार लिख लो जी, ताकि याद हो जाए, फिर हम लोग स्क्वायर निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलो अब इसके बाद देखो किसी भी नंबर का स्क्वायर याद रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, आप तुरंत निकाल सकते हो विद इन सेकेंड्स, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे सबसे पहले कोई दो डिजिट का नंबर का बात करते हैं, दो डिजिट काफ़ी आसान होता है, इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लो 56 है, इसका स्क्वायर तो याद नहीं है लेकिन निकाल सकते हैं कैसे, 56 का स्क्वायर सपोज हम लोग को निकालना है, ठीक है, तो 56 में दो डिजिट है, 5 और 6 है, तो सबसे पहले ये 6 का स्क्वायर आप निकाल लो, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, फिर ये जो 5 है इसका भी स्क्वायर निकाल लो, 5 का कितना 25, ठीक है, दोनों का स्क्वायर निकाल लिया, 6 का निकाले 36, 5 का निकाले 25, अभी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 30, मल्टीप्लाई करके ये वाला जो दो दिख रहा ना यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई, डबल कर देते हैं, मतलब सीधा सीधा समझो, मल्टीप्लाई करके डबल करना होता है, 6 × 5 30 होता है, 30 का डबल कितना, 30 का डबल 60, 60 को ठीक बीच में लिखेंगे, बीच इन द सेंस कि यहाँ पे एक प्लेस खाली होगा, यहाँ पे एक प्लेस खाली होगा और बीच में 60 को लिख के ऐड कर देना, तो ये 6 का 6 हो गया, 3 का 3 हो गया, 6 और 5 11, कैरी 1 2 और 1 3, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। कोई भी दो डिजिट का स्क्वायर आप इतना आसानी से निकाल सकते हो। जैसे देखो दूसरा एक नंबर लेते हैं, मान लो 63 का निकालना, ध्यान से देखिए एक बार में समझ में आ जाएगा, 63 में 6 है और 3 है, तो अब 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होता है, तो 9 पहले लिख देते हैं। अच्छा ध्यान रखना कि यहाँ पे जब स्क्वायर करके लिखे हैं तो दो डिजिट में आना चाहिए, जैसे 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 9 होता है सिंगल डिजिट का नंबर, हमको इसको डबल डिजिट बनाना, तो इसके आगे एक जीरो लगा सकते हो आप, ठीक है, ताकि ये 9 का 9 रहे। कोई बोलेगा सर यहाँ पे जीरो लगा दे तो ये फिर 90 हो जाएगा, तो नंबर को चेंज नहीं करना है, ठीक है, नंबर को 9 ही रखना है, तो 0 आगे आप लगा सकते हो, तो ये बन गया कितना डिजिट, दो डिजिट। यहाँ पे फिर बचा 6 का स्क्वायर 36, उसके बाद क्या बताया कि ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके डबल करना है, तो 6 × 3 18 का डबल 36 को ठीक बीच में लिखेंगे, बीच का मतलब यहाँ पे एक प्लेस खाली रहेगा, यहाँ पे एक प्लेस खाली, 36 को यहाँ पे लिख के जोड़ देंगे, तो 9 ये 6 6 और 3 9, ठीक है, तो ये इसका समझ में। अच्छा यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे डबल करने पे 3 डिजिट में आ जाए, तो फिर कहाँ लिखे हैं, जैसे एक एग्जांपल और दिखाते हैं, जैसे सपोज 87 का निकालना, 87 में हम जैसे बताएं वैसे ही करना, कि 7 का स्क्वायर कितना 49, 8 का स्क्वायर 64, अभी क्या बोले कि इसको मल्टीप्लाई करके डबल करो, 8 × 7 कितना 56 का डबल 112, अब 112 कितना डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है, तो हम क्या बताएं जब दो डिजिट में रहेगा तो दोनों जगह एक एक प्लेस खाली रहेगा, मतलब यहाँ पे खाली बीच में लिखने बताया था, लेकिन 112 3 डिजिट का नंबर है तो बीच में तो हो नहीं सकता, तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा ये फर्स्ट पोजिशन हमेशा खाली रहना चाहिए, ये फर्स्ट पोजिशन हमेशा क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए, बाकी आप कितना डिजिट का भी आप इधर लिख सकते हो,
तो 112 तीन डिजिट का, तो यहाँ पे आप इसको लिख दो, ये पोजीशन खाली रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो 9 का 9, 4 और 2 6, 4 और 1 5, 6 और 1, तो ये इसका स्क्वायर होगा, समझ में। जैसे एक और नंबर दिखा देते हैं, आप लोग खुद ही बताना। जैसे मान लो कोई भी नंबर ले सकते हो, मान लो 69 का निकालना, निकालो तो 4761 आया सबका, 4761। ये 69 में कैसे निकालोगा, 9 का स्क्वायर 81 की हो गया, फिर 6 का 36। अभी क्या बताया कि इसको मल्टीप्लाई करके डबल करना, 9 6 54 का डबल 108 3 डिजिट का, तो ये पोजीशन खाली रहेगा। 108 को यहाँ पे आप लिख के ऐड कर दो, 1 8 8 16 कैरी 1 6 और 1 7 3 और 1 6 4761, ये आया था सभी का, प्रीतम आया था। चलो अब ये 2 डिजिट का हो गया, अभी 3 डिजिट का सीख लेते हैं। मतलब 1000 तक का स्क्वायर आप लोगों को निकालने आना चाहिए, 1000 तक का संख्या का आराम से, ठीक है। अब देखो कोई भी 3 डिजिट का नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं जल्दी से, उसको उस पर बात करते हैं। थ्री डिजिट स्क्वायर, तो उसके लिए कुछ नंबर को बेस बनाना पड़ता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बेस नंबर, हर एक 50 का गैप में बेसिस बनता है, ठीक है। जैसे हम 100 से स्टार्ट करते हैं, 100 150 200, आप इसको कहीं तक भी ले सकते हैं, 250 300 तक के ले जाते हैं। इसका यूज क्या होता है अभी हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो एक नंबर लेते हैं 108, अब ये 3 डिजिट का नंबर है, इसका स्क्वायर सबसे हमको सपोज निकालना है, ठीक है। तो क्या कैसे निकालेंगे, क्या तरीका होगा, तो सबसे पहले देखो इसको इसको बोलते हैं कंपैरिजन मेथड, कंपेयर करते हैं बेस के साथ। जैसे 108 का स्क्वायर निकालना है तो आपको देखना पड़ेगा ये सब बेसिस है, तो ये 108 कौन सा बेस का सबसे नियरेस्ट होगा, मतलब तो किसके सबसे नज़दीक होगा इसमें से, बस इतना ही देखना। 108 इसमें से किसका सबसे नियरेस्ट है बताइए, 100 का। तो आप 100 से इसको कंपेयर करोगे, 100 का नज़दीक है, ये आपको तुरंत दिख जाएगा, आप तुरंत दिमाग में आएगा कि 100 का ये सबसे नज़दीक है, तो जिसके नज़दीक रहेगा ना उसी से कंपेयर कर लेते हैं कि कितना ज़्यादा या कम है। 108 100 का नज़दीक पड़ा तो 100 से ये कितना ज़्यादा या कम है, 8 ज़्यादा है। तो इसमें ध्यान क्या रखना, ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा उतना और ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा है तो ज़्यादा करेंगे, कम है तो कम करेंगे, सीधा सा बात है। तो ज़्यादा है 8, तो 8 ज़्यादा, तो इसमें 8 और प्लस कर दो, 8 और ज़्यादा कर दो, तो 108 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 116। जोड़ने के बाद आपको ध्यान क्या रखना, हमेशा दो ऐसा जगह बनाना है, दो ऐसा प्लेस बनाना, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर लिखना है हमको, और यहाँ पे वो 2 डिजिट का नंबर कौन सा होगा, तो जितना आप यहाँ पे जोड़ते या घटाते उसी का स्क्वायर यहाँ लिखते हैं। जैसे 8 जोड़े हो, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, तो 64 को आप डायरेक्टली यहाँ लिख दो, यही इसका स्क्वायर हो गया। जैसे एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे मान लो 112, ये चलो पहले कोई छोटा नंबर लेते हैं, 109, ये भी किसका नज़दीक है, 100 का। 100 से कम है कि ज़्यादा है, ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 9, तो इस जितना ज़्यादा है उतना और दोबारा ऐड करना, तो 9 इसमें पहले ऐड कर देंगे, तो 118 हो गया। उसके बाद क्या बताया, दो प्लेसेस बनाना है, यहाँ पे कौन सा नंबर लिखेंगे, जितना आप ऐड किया उसी का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81। तो अभी किसी को पेन नहीं चलाना, इसका स्क्वायर ऐसे ही देख के बताओ, 107 का स्क्वायर कितना होगा, 11449 होगा ना, ठीक है। हाँ अब थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगा, जैसे मान लो हम नंबर ले लिए क्या 112, प्रॉब्लम नहीं आएगा, आराम से हो जाएगा। देखो अब 112 भी 100 का ही नज़दीक है, 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा, तो 12 और दोबारा ऐड करना है, तो 12 ऐड कर लो, 124 आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, दो प्लेसेस बनाएंगे ऐसा। अभी हम क्या बोले, यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर लिखेंगे, ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, ठीक है, 12 का स्क्वायर 144। हम क्या बोले, मेरे पास दो ही जगह है और यहाँ पे डिजिट आ गया कितना, 3, तो हम लोग को क्या करना, देखो लास्ट का 2 डिजिट पहले यहाँ फिलअप कर देंगे हम लोग, ठीक है, और ये जो बच गया 1 एक्स्ट्रा इसके पास, वो तीसरा डिजिट में ऐड करेंगे, थर्ड इधर राइट साइड से तीसरा डिजिट यानी 4 है, तो 4 में 1 ऐड कर देंगे, तो 4 प्लस 1 कितना,
5, मतलब 1 to 5, इसको आंसर यदि बोले तो 1 to 5 double 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा? मतलब यदि तीन स्क्वायर करने पे तीन डिजिट में भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट का 2 डिजिट लिख लो और वो जो एक्स्ट्रा बच गया उसको तीसरे वाले डिजिट के साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एक देते आप लोग बनाओगे, इसको एक दो देते हैं आप लोग, उसका आंसर करोगे। जैसे 118, 117, ये दो टो निकालो तो 194, दोनों बना लो। अब चलो हम बनाते हैं, देखो प्रीतम नहीं हो रहा, देखो 118 से 18 ज्यादा तो हम डायरेक्टली लिखते हैं, 136 हो जाएगा 18 18। अब इसको ऐड करके तो लिखना तो नहीं है ना आपको, दिमाग में चलना चाहिए 18 में 18 जोड़ेंगे तो 136 हो गया। बचा दो प्लेसेस बनाना, तो 18 का स्क्वायर होता है, देखो 18 का स्क्वायर याद नहीं तो देख लेना 324 होता है, 324 में 24 आप लिख दो और यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 6 और 3 कितना हो गया 9, यानी 13924 यही आना चाहिए इसका, इसका आया था सभी का। इसका बात करें तो 17 जोड़ेंगे तो 134 हो गया, 134। ठीक है, 17 का स्क्वायर 289, तो 2 यहाँ पे ऐड कर दो, 4 और 2 6 और 8 9, यहाँ ये आंसर आना चाहिए, आया था। ठीक है, देखो बहुत जल्दी हो जाएगा, आप तुरंत कर सकते हो, तो ये समझ में आया। अब जैसे कोई नंबर ऐसा ले जाए तो 100 से काफ़ी दूर हो, जैसे पर ध्यान देना 139 का स्क्वायर निकालना, तो अभी आप लोगों को समझ में आना चाहिए कौन सा बेस यूज़ करेंगे, कौन सा बेस यूज़ होगा यहाँ पे। हाँ, 100 यूज़ होगा कि 150 होगा, 150 150, तो जो बेस का यूज़ करते हैं ना उसी से कंपेयर करेंगे। जैसे देखो 150 का जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे बेस हम लोग यूज़ करेंगे 150। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं बीच में, हम लोग जिस बेस का यूज करते हैं उसी से सम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो 150 से 139 ज्यादा है कि कम है, बताओ? कम है ना, कितना कम है? 11 कम है, तो कम है तो कम करेंगे, ज्यादा रहेगा तो ज्यादा, यही रूल है इसका, कम है तो जितना कम है उतना और कम करो, तो 11 कम है ना तो 11 इसमें और कम करेंगे, तो कम कर लो, 9 में से 1 गया तो 8 हो गया, 3 में से 1 गया तो 2 हो गया, 128। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता, ध्यान रखना कि देखो 100 के अलावा जब कोई दूसरा बेस आप जब भी यूज करोगे, 100 के अलावा जब दूसरा बेस जब भी यूज करोगे, तो उसमें आपको 100 से डिवाइड पहले करना पड़ेगा, ये ध्यान रखने वाला बात है। क्या करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड, 100 करते थे तो कोई डिवाइड वाइड नहीं करना पड़ता था, 100 के अलावा जब दूसरा बेस यूज करोगे आप तो उसको पहले 100 से डिवाइड कर लो और कैंसिल आउट करके छोटा कर लोगे, 50 से काटेंगे, 50 150 200 कितना आएगा, 3/2, 3/2। तो मतलब क्या करना है कि 100 के अलावा कोई दूसरा बेस जब भी यूज करेंगे तो एड लेस करने के बाद, जो डिवाइड करने के बाद जो डाटा आएगा उससे यहां पे इसको मल्टीप्लाई करना होता है 3/2 से। ठीक है, अब देखो इसको इजी वे में कैसे समझते हैं आप, 3/2 का मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है इसका हाफ करके 3 से मल्टीप्लाई, ऐसे सोचोगे तो ज्यादा जल्दी होगा। ठीक है, जैसे 128 का हाफ करो तो कितना होता है 64, और 64 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये माइंड में करने का तरीका बता रहा है, तो 3/4 जा कितना 12, हाथ में 1, 3/6 12, हाथ में, ठीक है, 3/6 18 1 19, 192 हो गया। अभी इसके बाद दो डिजिट का ऐसा जैसे पहले करते थे वैसे ही करना है, दो प्लेसेस बनाएंगे जो पहले करते थे। अभी यहाँ पे कौन सा नंबर लेके जितना आप जोड़ते या घटाते हो उसी का स्क्वायर लिखते हैं, तो 11 का स्क्वायर 121। अब 121 कितना डिजिट का नंबर है, देखो यहाँ लिखा हुआ है 3 डिजिट का नंबर है, तो लास्ट का 2 डिजिट पहले आप लिख दो और वो जो थर्ड वाला 1 बच गया वो किसको, इसको दे देंगे, तो 2 था, 2 और 1 मिला के कितना हो गया 3, तो 19321 इसका आंसर है। समझ में आया? समझ में आ रहा है? अभी एक और दिखाते हैं, जैसे मान लो हम एक नंबर लेते हैं 167, 167 150 के ही नज़दीक पड़ेगा, तो निकालो आप लोग खुद से निकालो, तो
देखो कितना आता है, एक दो दो देते हैं, हम बनाओगे आप लोग खुद से। तीन क्वेश्चन बनाओ। तीनों बना लो, तीनों तीन दिए। एक क्वेश्चन है 167, दूसरा 174, 138, तीन क्वेश्चन है। सेकेंड वाला का तीनों बनाओ, तीनों बनाओ एक ही साथ चेक करेंगे। तीन क्वेश्चन है, तीनों एक ही साथ बनाओ फिर चेक करेंगे। चलो तीनों का आंसर लिख रहे हैं, आप लोग मिलाना ठीक है। फर्स्ट का ये आया था क्या, 27889? सेकेंड का आया होगा 24 ऐड करेंगे तो 4 4 8 हो गया, 7 2 9, तो इसका आधार बनो 18 19 2 18 3 3 9 27 के साथ 3 9 27 और 2 9 10 24 का 576 7 5 12 के 2 10। ये आया था क्या सेकेंड वाले का 30276, इसका -12 करेंगे तो कितना होगा, 8 में से 2 गया तो 6 3/2 63 × 3 3 × 9 3 6 18 और 12 का स्क्वायर 144 19044। हाँ मैच हुआ था तीनों, प्रीतम नहीं बना, कौन सा नहीं मिला बताओ, तीनों आंसर मिला था सभी का, तुम्हारा क्या हुआ? अभी भी तुम वही हैं जहाँ थे। चलो अब देखो अब यही प्रोसेस है ना, आप 1000 तक का कोई भी नंबर उठा लो कहीं से भी। अब हम लोग मतलब स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे, 1000 तक का संख्या कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हो ठीक है। आप कोई भी नंबर हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, आप लोग खुद बता दे कौन सा बेस यूज़ करेंगे। थोड़ा सा खाली मल्टीप्लीकेशन फास्ट होना चाहिए, यही तरीका से 1000 तक का संख्या का स्क्वायर आराम से निकाल सकते हो। अब जैसे देखो ध्यान से, मान लो हम अचानक से एक नंबर लिख दिया 357, इसका स्क्वायर निकलना है, तो आप लोगों को दिखना चाहिए कौन सा बेस यूज होगा, कौन सा बेस यूज होगा। 350 नंबर देख के दिमाग में आएगा, हाँ 350 के नजदीक है, 350 का, तो जिस बेस का यूज करेंगे उसी से इसको कंपेयर कर लो। 350 से ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो दोबारा से 60 इसमें और ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 7 7 14, मतलब 4 5 और 1 364 हो गया। अभी ध्यान क्या रखना है कि हम लोग कौन सा बेस यूज़ कर रहे हैं, 350, तो थोड़ा सा माइंड में ध्यान रखेंगे 350 का बेस यूज़ कर, तो उसको 100 से डिवाइड कर लेंगे हम, बोले कि 100 के अलावा जो भी बेस यूज़ करेंगे उसको 100 से डिवाइड कर लेना और इसको छोटा पहले कर लेंगे ठीक है। तो इसको काटेंगे तो 5 7 35 और 5 2 7/2, मतलब यहाँ पे आपको 7/2 से पहले मल्टीप्लाई करना, तो 2 से इसको कैंसिल कर लो, 18 और 2 2 6, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14 कैरी 1, 7 8 56 और 1 57 ठीक है, और 7 1 7 और 1 कितना हो गया, 57 का गलती कर रहे क्या, 7 2 14 4 हाथ में 1 7 8 56 और 1 57 7 हाथ में 5 7 1 7 5 12 ठीक है। तो
अच्छा उसके बाद क्या बताया कि यहाँ पे दो प्लेसेस बनाएंगे और यहाँ पे कौन सा स्क्वायर लिखेंगे, सेवन का स्क्वायर, सेवन जोड़े तो सेवन का स्क्वायर, तो 127449 समझ में आ रहा। तो चलो अब हम लोग कोई भी रैंडमली नंबर लेते हैं, आप लोगों को निकाल के बताना है कौन सा बेस यूज होगा, आप लोगों को खुद ही सोचना है, ठीक है। तो हम कुछ नंबर दे रहे हैं, आप लोग डायरेक्टली बताओ। जैसे मान लो 636 289 और 198, ये तीन क्वेश्चन है, बनाओ कौन सा बेस यूज होगा, आप लोग खुद ही दिमाग लगाओ, ठीक है। तो ये कटेगा तो कितना होगा, 13/2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो दो से इसको कैंसिल कर लो, दो तीन अच्छे। अब देखो इसमें मल्टीप्लीकेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका हो, 13 एकम 13, ठीक है, हाथ में तीन, हाथ में एक, सॉरी, फिर 13 एकम 13 और एक कितना 14, फिर 13 3 39 और एक 4043। इसके बाद बताएं कि दो डिजिट का नंबर यहाँ पे लिखते हैं, जितना भी आप यहाँ पे ऐड या लेस करते हो, 14 का स्क्वायर 196 आप लिख लो और 1 यहाँ पे कैरी कर देंगे, ठीक है, माइनस है तो माइनस करेंगे, ध्यान रखिए, अच्छा नहीं सॉरी 1 यहाँ पे प्लस ही करते हैं, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, मतलब 404496 ये आंसर आना चाहिए, 404496 आया था सभी का। इसमें देखो इसमें कौन सा बेस यूज करेंगे, 300 250 यूज मत करना वरना फिर काफी दूर ही हो जाएगा, ठीक है। तो 300 से ये कम है ना, कितना कम है, 11 कम है, तो इसमें 11 और दोबारा कम करो, जितना कम है उतना और कम करते हैं, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 278। अभी 300 का बेस यूज करें तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना, 3 3 8 24 का 4 हाथ में 2, 3 7 21 और 2 23 हाथ में 2, 3 2 6 और 2 दो डिजिट यहाँ लिख दो, 11 का स्क्वायर 121 का 21 और ये 4 और 1 मिला के कितना हो गया 5, 83521 यही आया था क्या, ठीक है। यहाँ पे कौन सा बेस यूज होगा, 200, तो जो बेस का यूज करेंगे उसी से कंपेयर कर लो, 200 से ये कम है 2, तो 2 इसमें और माइनस कर लेंगे तो 196 हो गया, ठीक है, 196 हो गया। आप 200 का बेस यूज करें तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, आपको ये खुद ही दिख जाएगा कि 100 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 6 12 का 2 कैरी 1, 2 9 18 और 1 19, 2 1 2 और 1 3, 392 और इसके बाद दो डिजिट का नंबर आप लिखोगे, हाँ तो 04 हो जाएगा, ठीक है, तो 39204 समझ में आया। तो इस तरह से आप 1000 तक का संख्या का स्क्वायर आराम से निकाल सकते हो, किसी भी डिजिट का, मतलब कोई भी नंबर का, ठीक है। तो चलो कैलकुलेशन का क्लास आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, आज हम लोग तो बहुत सारा चीज सीख लिया, मल्टीप्लीकेशन करना सीखे, प्लस माइनस कैसे होता वो सीखे, प्लस स्क्वायर निकालना सीखे, तो अगले क्लास में जब भी आएंगे तो हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं।